हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नील MPPSC में। दोस्तों हमने अभी इथिक्स के पेपर 4 जो थिंकर है उसमें से हमने दो थिंकर है जो कंप्लीट कर लिए है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो सिलेबस चेंज हुआ था, तो ये पहले 3 मार्कर में थे लेकिन अब 2 मार्कर 5 मार्कर इसमें आया, तो हम इसको सिलेबस को देखेंगे और आज इसको डिकोड करेंगे। उसके बाद हम आगे के जो भी दार्शनिक है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारे प्री का है, इसके बाद हम मेंस के इसमें जाते हैं। तो मेंस का देखिए, पहले ये चतुर्थ प्रश्न पत्र, ठीक है। ये कितने नंबर का? टोटल 200 नंबर का है। और कितने टाइम कितना है? 3 घंटे, ठीक है। हमारा जो है इसमें क्या है, जो 1 यूनिट से लेके 5 इकाई है, ठीक है, 5 इकाई में विभाजित है। लेकिन क्या बोलता है, सामान्य अध्ययन का चतुर्थ प्रश्न पत्र 5 इकाई में विभाजित है, जिसमें प्रथम से चतुर्थ मतलब 1 से 4 तक जितनी भी इकाई, प्रत्येक में क्या रहेगा, 5 रहेंगे अपने अति लघु उत्तरी, 2 रहेंगे लघु उत्तरी और 1 रहेगा दीर्घ उत्तरी, ठीक है। ये हमारे वो उसके बाद क्या है, प्रत्येक में क्या रहेगा, पहला रहेगा 2 नंबर का जो अति लघु उत्तरी है, फिर लघु उत्तरी है वो रहेगा हमारा 5 मार्कर का, और जो दीर्घ उत्तरी है वो रहेगा हमारा 20, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कितने हैं। तो इसको देखो, बना लेते हैं अपन 5 × 2, ठीक है। फिर आ जाता है 2 × 5, फिर आ जाता है 1 × 20, तो ये कितने हो जाते हैं टोटल, तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 10, ये 10 10 नंबर के हमारे आएंगे अति लघु उत्तरी, और 10 नंबर के आएंगे हमारे लघु उत्तरी, और 20 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो दीर्घ उत्तरी है। तो ये टोटल कितना होगा, 40 नंबर, ठीक है। ये 40 नंबर का हमारा 1 से लेकर जो 4 यूनिट है उसमें आएगा। ये यहाँ पर लिख रखा है, प्रत्येक में लघु उत्तरी प्रश्न के लिए 2 अंक, फिर लघु उत्तरी के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरी के लिए 20 अंक, ठीक है। इस प्रकार प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक 40 होंगे, जो अभी मैंने आप शब्द सीमा देख लेते हैं। हम शब्द सीमा में क्या है, शब्द सीमा में जाते हैं तो हम अति लघु उत्तरी के लिए क्या देख लेते हैं, 10 शब्द, फिर लघु उत्तरी के लिए 50 शब्द या 5 से 6 पंक्ति होगी, और दीर्घ उत्तरी के लिए 200 शब्द, ठीक है। उसके बाद जो पांचवी यूनिट है, जो पांचवी यूनिट है, पांचवी यूनिट में क्या होगा, हमारा केस स्टडी आई रहेगी। केस स्टडी कितनी रहेगी, 2 केस स्टडी, और वो 1 केस स्टडी रहेगी हमारी 20 अंक की, ठीक है। तो 20 2 आएगी तो मतलब 40 ही है। तो हमारे टोटल कितना होगा, 160 + 40, तो ये हमारे 200 अंक का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम उसकी तरफ चलते हैं, सिलेबस की तरफ। सिलेबस में हमारे कैसे दे रखा है, ये हमारा चौथा पेपर आ गया है, ठीक है। चौथे पेपर में क्या है, पहली यूनिट में क्या है, पहली यूनिट में हमारा आ गया है दार्शनिक। इस दार्शनिक में से 2 नंबर, 5 नंबर और 20 नंबर। 20 नंबर में किसको पूछ सकता है, 5 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, जो 3 नंबर में पहले आ रहे थे वही 2 नंबर में आएंगे, और 5 जो पहले 6 नंबर में आ रहे थे वही 5 नंबर में आएंगे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट हुआ है। उसके बाद फिर हमारे यूनिट 2, इसमें मनोवृत्ति है, फिर उसके बाद सांवेगिक बुद्धि है, फिर व्यक्तिगत भिन्नता है। फिर यूनिट 3 में क्या है, मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, इसमें लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण की एवं मूल्य, ठीक है। फिर चौथे में आ जाता है भ्रष्टाचार। ये हमको यूनिट पढ़ना है, तो अभी हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे कौन कौन से दार्शनिक हो गए हैं, हमारे इसमें हो गए हैं, सॉरी पहले हमारे हो गए हैं, एक तो महावीर स्वामी हो गए और बुद्ध हो गए, ठीक है। और हमारे जो है प्राचीन भारत के दार्शनिक कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य बोलते हैं, वो हमारे क्या बोलते हैं, राजनीतिक दार्शनिक में आएंगे, चिंतन में आएंगे, ठीक है। तो हम अब इसके बाद उठाएंगे मध्यकालीन। तो मध्यकालीन में हम आज पढ़ेंगे क्या, कबीरदास, ठीक है, कबीरदास पढ़ेंगे। हमारे ये 2 तो कंप्लीट हो गए हैं, अब तीसरा कबीरदास पढ़ेंगे। तो यही सिलेबस है, इसको अच्छे से समझिए
और जो भी मैं 3 नंबर में बोल रहा था उसको 2 नंबर में सम कर लीजिएगा, और 5 नंबर में कर लीजिए, और 20 नंबर में, ठीक है। अब 11 नंबर का पेपर 4 में कोई रोल नहीं है। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।